Now today we are going to do writing book of English. Students, आज हम करेंगे इसमें page number 26. Okay students, तो चलिए start करते हैं. Write the correct word. आपको यहाँ पर कुछ pictures दी गई हैं. आपको pictures को देखकर हमें जो है word write करना है. जैसे कि व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, दिस इज कैट. तो हम यहाँ राइट करेंगे CAT, कैट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस स्टूडेंट, दिस इज हैट. तो हम किस तरह से राइट करेंगे, HAT, हैट. नेक्स्ट इज फैन. व्हाट इज दिस स्टूडेंट, फैन. यस. तो हम कैसे राइट करेंगे, F A N, fan. And what is this students? Yes, this is bat. तो हम कैसे write करेंगे, BAT, bat. And next is man, MAN, man. And next is van, VAN, van. Yes. And next is rat, RAT. And last is PAN, pan. Hindi writing book page number हम करेंगे इसमें 16. आ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ जो है हमें शब्द दिए गए हैं बट वो कंप्लीट नहीं है, तो हमें आ की मात्रा लगाकर शब्दों को क्या करना है, पूरा करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास वर्ड है नम. तो हमें आ की मात्रा जो है कहाँ लगानी है, न के बाद. तो हम इस तरह से इसे राइट करेंगे, न के बाद हम ये लगाएंगे आ की मात्रा, क्या बन जाएगा, ना. एंड नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारे पास, नाम. एंड नेक्स्ट इज ल. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ल के बाद हम क्या लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, लाल. एंड नेक्स्ट इज तर है हमारे पास, तो हम यहाँ राइट करेंगे त के बाद हम आ की मात्रा लगाएंगे, तार के बाद हम आ की मात्रा यूज़ करेंगे, तारा. क्या बन जाएगा ये, तारा. इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको आ की मात्रा लगाकर शब्दों को कंप्लीट करना है. राइटिंग बुक ऑफ मैथ्स स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे पेज नंबर 15. स्टूडेंट्स, इसमें जैसे कि आप पहले व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन कर चुके हैं, सो ये जो है आपका रिवीजन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर जैसे आपको डिजिट दिया हुआ है 5. क्या डिजिट दिया हुआ है, 5. तो 5 से बिफोर, पहले, यानी कि 5 के जो ऊपर आता है वो डिजिट राइट करना है आपको. तो आप काउंट करके देखिए, जैसे काउंटिंग आप स्पीक आउट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5. अब 5 के ऊपर देखिए क्या स्पीक आउट किया आपने, 4. तो यहाँ आप 5 से बिफोर क्या राइट करेंगे, 4. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 3. अब 3 से बिफोर क्या आएगा, तो आप काउंटिंग स्पीक आउट कीजिए, 1, 2, 3. अब 3 के ऊपर पहले आपने क्या बोला बिफोर, 2. तो यहाँ पर आप 2 राइट करेंगे. नेक्स्ट है हमारा व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर. आफ्टर यानी कि जो बाद में आएगा. अब यहाँ हमारे पास डिजिट है 8. 8 के आफ्टर यानी कि बाद में क्या आएगा, उसके लिए स्टूडेंट्स आप काउंटिंग स्पीक आउट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 के आफ्टर यानी कि बाद में क्या आया है, 9. तो हम यहाँ पर 9 राइट करेंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट व्हाट कम्स बिटवीन.
बिटवीन यानी कि बीच का, यानी कि हमें रे बीच में जो है डिजिट जो है यहाँ हमारे पास, जैसे कि हमें 5 दिया हुआ है और नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 7। अब इसके बिटवीन बीच में क्या आएगा, उसके लिए आप काउंटिंग बोलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 5 और 7 के बीच में क्या स्पीक आउट किया है हमने स्टूडेंट, 6। तो हम यहाँ बिटवीन क्या राइट करेंगे, 5 और 7 का बिटवीन क्या राइट करेंगे, 6। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको वर्ड कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन जो है कंप्लीट करना है। विथ ड्राइंग, ये आपकी बुक है, इसमें आज हम करेंगे पेज नंबर 22, लेट्स ड्रॉ अ सन। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुली जो है सन ड्रॉ किया हुआ है और उसमें कलरिंग भी किया हुआ है। और यहाँ पर आपको जो है step 1, step 2, step 3 दिए गए, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर step 1, step 2 और step 3 से सन को कंप्लीट करना है और फिर इसमें ब्यूटीफुली कलर करना है। स्टूडेंट्स आपको step 1 में देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 डॉट दिए गए हैं, आपको पेंसिल की हेल्प से डॉट मिलाते हुए आपको ब्यूटीफुली ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट step 2 में आपको क्या करना है, पहले सेम step 1 की तरह आपको डॉट से डॉट मिलाते हुए इस तरह से पेंसिल से आपको जो है सर्कल ड्रॉ करना है, फिर आपको ये जो है लाइंस लगानी है। इसी तरह से आपको step 3 में सेम सर्कल ड्रॉ करना है और लाइंस लगानी है और आपको इसमें कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स।